हम लोग जिंदा हैं तो अपने किसान और जवान की बदौलत से, जैसे देखिए किसान लोग कितना मेहनत करते हैं हम लोग के लिए। और अपना किसान भाई का भी ब्लॉग वायरल कीजिए, जैसे सारे लोग को ये है वायरल। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हो, आई होप आप लोग मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आज मुझे सारा दिन काम ही काम है, और काम क्या है तो आप लोग को जो मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं ये धान का पूंजी, आज ये खुलने वाला है क्योंकि मेरे पापा सुबह ही चले गए हैं धान झाड़ने वाला मशीन लाने। और हम लोग बहुत दिनों से चाह रहे थे कि धान झाड़ा जाए, बट मकर संक्रांति से ही मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ था, तो इसी के वजह से धान झाड़ नहीं पा रहे थे। या धान का पूंजी खोल देते तो धान बर्बाद भी हो सकता था, क्योंकि बारिश होता तो सारा धान बर्बाद हो जाता। दो दिन से अच्छा मौसम किया हुआ है, तो कल सारा दिन धूप ही था, वो आज भी थोड़ा धूप निकला हुआ है। तो चलिए, और धान कैसे झाड़ा जाता है, किसान लोग कैसे झाड़ते हैं, मैं सारा कुछ इस ब्लॉक में दिखाऊंगा। तो उससे पहले आप लोग को दिखाता हूँ ये धान का पूंजी जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। बहुत लोग देखे नहीं है कि धान का पूंजी कैसा होता है, तो आप लोग देख लो जो नहीं देखे हैं, तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ धान का पूंजी। तो धान का पूंजी इस टाइप का होता है, जो किसान से जल्दी धान झाड़ा जाए, क्योंकि हम लोग किसान है और आप लोग को पता ही है किसान लोग अपने खेत पे डिपेंड करते हैं, तो जल्दी से झाड़ा जाए। और हम लोग कुछ करने वाले हैं बिजनेस, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना है मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए जो बेस्ट रहेगा गांव में। चलिए ब्लॉग में बने रहिए। धान झाड़ने वाले भी लोग भी आ चुके हैं, देखिए जो पूंजी, देखिए पूंजी पे चढ़ के नीचे धान दे रहे हैं, अभी दो ठो आए नहीं हैं। कैसे झाड़ा जाएगा मैं सारा कुछ दिखाऊंगा इस ब्लॉग में, तो इस किसान भाई का लास्ट तक ब्लॉग देखना भाई और फुल सपोर्ट करना। धान झाड़ना हो चुका है स्टार्ट, ये देखिए इधर तीन ठो झाड़ रहे हैं और एक ठो इधर ये सफाई सुथरा कर रहे हैं, जो धान में कचड़ा होता है एक साइड कर देते हैं, और इधर एक ठो धान दे रहे हैं, उधर से धान उठा के इधर सामने देते हैं क्योंकि आराम से उठा सके। और ये सारा जो कचड़ा हटा के, देखिए इतना सारा कचड़ा हटा के उसका एक साइड करके वहाँ पे पैक किया जाता है, और यहाँ से सीधा धान के होलसेलर में जाएगा और वहाँ से चावल बन के पॉलिश किया जाता है, उसके बाद दुकान में दे के जो आप लोग खरीदते हो। हम लोग जिंदा हैं तो अपने किसान और जवान की बदौलत से, जैसे देखिए किसान लोग कितना मेहनत करते हैं हम लोग के लिए और अपने देश के लिए। आप लोग को इस ब्लॉग में मैं सिर्फ आप लोग को यही दिखाना चाहा कि हमारे देश के किसान लोग कितने मेहनत करते हैं हम लोग के लिए। ये तो धान झाड़ने में इतना मेहनत कर रहे हैं, तो जब धान का खेती होता है और धान जब कटाई होता है तो सोचिए कितना मेहनत करते हैं हमारे लिए किसान लोग। तो एक लाइक तो बनता है हमारे देश के किसान के लिए। और इस ब्लॉग कैसा लगा गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएं, और थोड़ा इस किसान भाई को भी थोड़ा प्यार बरसाएं और सपोर्ट कीजिए, और अपना किसान भाई का भी ब्लॉग वायरल कीजिए जैसे सारे लोग को ये है वायरल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।